प्रियंका जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। जी अलमीरा में रखे हैं, ले लीजिए। मैं अलमीरा में रखे पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें देने थे। आपने तो शादी के टाइम मना कर दिया था ना, आपने कहा था कि डाउरी में आता है और आप दहेज में बिल्कुल विश्वास नहीं। तो मैं कहा दहेज मांग रहा हूँ, वो मुझे बिजनेस थोड़ा सा लॉस हो गया है एंड मुश्किल के टाइम पे अपने नहीं काम आएगा तो बहुत काम आएगा। यू आर गेटिंग मी ना? लेकिन मुझे बहुत ऑकवर्ड लगेगा। लगा ऑकवर्ड लगेगा, सही है। हमारी सिर्फ शादी हुई है प्रियंका, तुमने अपने घर वालों को छोड़ा नहीं है। जस्ट गो एंड उनसे कहो और पैसे ले लो। लेकिन वैसे भी अब तुम्हारा ध्यान मुझे रखना सारी जिंदगी, पैसे तो ऐसे दे देंगे वो तुम्हें, सिंपल यार। मैं कैसे? सी लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अपने पापा से कहो 10 लाख रुपए लेके आओ। इतना पैसा कमाते हैं यार, सारा पैसा कौन सा तुम्हारे भाई को देना है? 10 लाख रुपए राघव, डीसेंट सी जॉब करते हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? सी फालतू की बकवास करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। अपने पापा को बोलो पैसे मंगवा लो। राघव सुनो, राघव वो मैं सोच रही थी कि आज शॉपिंग पर चलते हैं। क्यों चलना तुझे शॉपिंग पे? वो बताया था ना आपको कि रुचि की सगाई है, मैं बड़ी बहन हूँ, उससे खरीदना पड़ेगा ना अच्छे से उसके लिए। मैं बाप को बोल वो करा देगा शॉपिंग। जी आप ऐसा कैसे बात कर रहे हैं उनके बारे में? तो कैसे बोलूं, तेरे बाप को बोला था पैसे देने के लिए, एक पैसे नहीं दे पाया। अब तू चाहती है कि तेरी और तेरी बहन का खर्चा ही मैं उठाऊं, सही है? राघव अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम्हें शादी से पहले बोलना चाहिए था। अब शादी के बाद मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे बिहेव करो। करूंगा मैं ऐसे बिहेव, करूंगा। अपने बाप को बोल जाके कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो तेरा इस घर में जीना हराम कर दूंगा। तू क्या देख रही है मेरा, जा। हाँ बस मेरी, हाँ जी भैया आ जाइए, यहीं पर खड़ी हूँ जी। कहाँ जा रही है? वो आपको बताया था ना कि राखी की सगाई है, बस उसी के लिए जा रही हूँ। ऐसा करो प्लीज आप भी चल लो, घर वाले खुश हो जाएंगे आपको देखकर। तेरे साथ तो वैसे भी कहीं नहीं जाऊँगा, काम करता हूँ, तुझे तेरे घर ही भेज देता हूँ। आसमान पकड़ वो निकल गया से। मतलब ये कि अपने बाप को बोल जब तक पैसे नहीं आते तब तक इस घर में तेरी एंट्री नहीं। यार तुम पैसे को लेके इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? 4 महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई है, पापा ने इतना सारा खर्चा उठाया है और अब राखी की भी शादी है। और पापा ने जैसे तुमने कहा था वैसे ही शादी कराई है। राघव एहसान किया मेरे पे, जो किया उसने तेरे लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। राघव आप समझ नहीं रहे हो, मैं अचानक से इतने सारे पैसे कैसे मांग लूँ उनसे, जबकि मुझे सामने दिख रहा है कि उनके पास कितनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखिए यहाँ खड़े होकर फालतू की बकवास मत कर, सामान उठाओ और निकल यहाँ से। राघव प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पापा इतना नहीं, 10 लाख बहुत बड़ी रकम है यार। फालतू का ना दिमाग मत खराब कर, कब से जुबान लड़ा रही है? राखी की शादी है, इतनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो कैसे देख पाएंगे? दिमाग मत खराब कर और तभी आना इस घर में जब हाथ में पैसे हो। सामान उठाओ और निकल यहाँ से, इस घर में कभी पैर रखना जब हाथ में पैसे हो। राघव, राघव दीदी, दीदी क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बैठो आप। राघव संजय मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, धमकी देते हैं कि घर से पैसे मंगवाओ नहीं तो वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। शादी कितने साल बाद वो आपसे ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं? ये सब बहुत टाइम से चल रहा है राघव, अब पहले मैं सहन कर लेती थी पर अब तो उन्होंने हाथ भी उठाना शुरू कर दिया है।
इस पे अब मुझसे सहा नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। दीदी आप ये कैसे बातें कर रहे हो? वो भाई अभी जिंदा है जी, से तो मैं बात करता हूँ। किसको फोन कर रहे हो? दीदी पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ उसकी, सारी गलती कहानी आ जाएगी। मेरी बहन पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसी है उसकी? फिर एक कंप्लेंट तो मुझे भी करनी चाहिए तुम्हारे खिलाफ। ये अब क्या बोल रही थी? हाँ, डाउरी केस की। तुम भी तो प्रियंका के साथ यही सब कर रहे हो ना, उसे पैसों के लिए तंग कर रहे हो। फिर तुम में और तुम्हारे जीजू में क्या फर्क रह गया राघव? आई एम सॉरी दी, मैं समझ नहीं पाया कि जिस चीज से मुझे एज अ ब्रदर प्रॉब्लम हो रही थी वही चीज मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ। टेंशन मत लीजिए, मैं जीजू से बात कर लूंगा। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कल मेरी प्रियंका से बात हुई थी, काफी स्ट्रेस्ड आउट साउंड कर रही थी। मैंने उसे इंसिस्ट किया कि बताए बात क्या है, तब उसने बताया कि तुम उसे ऐसे प्रेशराइज कर रहे हो। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा भाई, मेरा राघव ऐसा कर सकता है। फिर मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें समझाना चाहिए। अगर सीधे आर्ग्यूमेंट करने आती तो नहीं समझ पाता, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा ताकि तू समझ सके। I'm sorry दी। माफी मुझसे नहीं, प्रियंका से मांग। और भाई अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो तू मुझसे बोलता। नहीं दी, वो मैं हैंडल कर लूंगा। हेलो। हेलो, आई एम रियली सॉरी प्रियंका, मैंने तुम्हें काफ़ी गलत तरीके से ट्रीट किया और पापा के लिए भी काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुली बात की। आई एम रियली सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि आज के बाद तुम्हें कभी ऐसे ट्रीट नहीं करूँगा। मुझे इस बात की खुशी कि तुम्हें रियलाइज हुआ, और ये फाइनेंशियल टेंशन की बात ना तो हम साथ में मिलके करेंगे ना। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर ही लूँगी मैं घर के एक्सपेंसेस चलाने में। विल बिल्ड एवरीथिंग टुगेदर ना। तुम्हें इस चीज़ की प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है प्रियंका। प्रेशर की बात नहीं है राघव, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। चलो इस पर बात हम मिलकर करते हैं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।